नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईईएक्स के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, आईईएक्स का नतीजे आ चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले अभी अनाउंसमेंट हुआ है, तो नतीजे कैसे रहे उसके डिटेल्स में बारीकियां जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो देखें। दोस्तों, कई सारी चीज़ें मैंने कवर करी इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ वीडियो के कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन रिजल्ट, दूसरी चीज चार्ट चेक करेंगे, तीसरी चीज फ्यूचर टारगेट भी पता लगाएंगे, और चौथी चीज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होंगे वो भी देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। अब अगर हम दोस्तों चार्ट चेक तो बाद में करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आईईएक्स के रिजल्ट की तरफ फोकस करता हूं। तो आईईएक्स आप बीएससी की साइट पर जा सकते हैं, आईईएक्स का यहां से आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं और रिजल्ट यहां से बोर्ड मीटिंग आउटकम्स आ चुके हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, 6 बजे के आसपास रिजल्ट आए हैं। अगर मैं यहाँ से फाइल डाउनलोड करता हूँ, तब तक पहले मैं आपको कई सारी डिटेल्स इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये 15 पेज की फाइल है, आईएक्स की ओरिजिनल फाइल है। यहाँ पे इनकी आज जो बोर्ड मीटिंग आउटकम हुई है, उसमें एक इन्होंने ईएसओपी ट्रस्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम उसकी बात भी रखी है। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, ये भी देख लेंगे कि क्या कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ, तो अभी ऊपर कोई ऐसी जानकारी नहीं। स्टैंड सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि इनके कंसोलिडेटेड फिगर कैसे रहे। ये तो दोस्तों स्टैंड अलोन फिगर है, मैं कंसोलिडेटेड फिगर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर आप देखिए, ये दोस्तों कंसोलिडेटेड नंबर आ गए, ये सारे नंबर क्रोड्स में दिए गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम की बात करेंगे दोस्तों, 11377 की टोटल इनकम रही है, जो कि फ्लैट सी है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले, और लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो 7 से 8% का डिप है। अब अगर हम दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस देखें तो इस क्वार्टर में कम है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो 9356, यानी एबिटा इंप्रूव हुआ है बिफोर कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर स्लाइटली डिक्रीजिंग है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 7120 पर रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है, ईयर ऑन ईयर डिक्रीजिंग। दोस्तों इसी वजह से शेयर काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा, और लोगों को पहले से ही चीजें पता चल जाती है एक्टिविटीज के थ्रू, जिससे पता चलता है कि शेयर में क्या उठान और गिरावट है। टोटल एसेट्स भी वीक हो चुके हैं, क्योंकि शेयर के प्राइस भी कम हो चुके हैं, तो यहाँ से भी इनमें थोड़ी डिक्रीज देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल और चीजें देख लेता हूं मैं कि इनके जो गाइडेंस और टाइमलाइन रही वो कैसी रही। तो मैं यहाँ पे दिखा दे सकता हूँ कि इन्होंने पेरेंट इसकी बात करी है, पेरेंट एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ 4.93% इन इंडियन एक्सचेंज आईजीएक्स टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, या आईजीएक्स इसका जो पेरेंट कंपनी है, इसमें ये 4.93% स्टेक सेल करेंगे और टू आईओसी को सेल करेंगे। आईओसी यानी कि 5% यहाँ पे एक्वायर करेगा आईजीएक्स में। और इसके अलावा डिविडेंड की इन्होंने बात करी, तो 1 रुपये का डिविडेंड दोस्तों यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, जो कि काफ़ी कम है अगर हम देखें प्राइस से, तो लगभग 1% के आसपास का यहाँ पर है। अब अगर हम दोस्तों चार्ट चेक कर लें, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूँ, तो ये एकदम सपोर्ट के पास ही शेयर है। मैं इसको ज़रा विड्रॉ भी कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी। ये दोस्तों जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो यहाँ पर है, लगभग 130 के आसपास है ये। इसको अभी तक इसने ब्रीच नहीं किया, तो 130 का स्टॉप लॉसेस बनाए रखें, होल्ड रखें। डेफिनेटली दोस्तों ऑलरेडी फैक्टर आउट हो चुका है, क्योंकि 52 वीक लो चल रहा है, तो ये शेयर आप इसमें सेल करने की कोशिश ना करें। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें आपको बाय ही करना है, और ये शेयर ऊपर जा सकता है, क्योंकि नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हैं। अब अगर स्टॉप लॉसेस लेके चले लॉन्ग टर्म के लिए, तो 129 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और अपसाइड दोस्तों यहां से मैं जो पहला टारगेट लेके चलता हूं,
यहाँ से वो 160 का जोन है, लगभग 160 अराउंड, और जैसे ही 160 निकालता है तो इसका जो दूसरा पड़ाव है लगभग 180 के आसपास है, और अगर ये निकाल ले गया तो फिर दोस्तों 250 का जोन। तो यहाँ से दोस्तों एक फ्रेश बाइंग बन सकती है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बस दोस्तों शॉर्ट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो 129 का स्टॉप लॉसेस जरूर रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। और अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फोकस करना चाहते हैं और अगर आपको ये शेयर 138-136 के राउंड मिल जाता है तो 136 के राउंड बाई कर लें, 133 का एक स्टॉप लॉस लेके चले और लगभग 142-142 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। दोस्तों शेयर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिविडेंड भी दिया है लेकिन डिविडेंड काफ़ी कम है अगर इन कंपैरिजन देखें। वैसे डिविडेंड बोनस हर एक चीज़ ये शेयर देते रहते हैं, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहा जा सकता है, इवन फ्रेश बाइंग भी करी जा सकती है। ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक जरूर जुड़े हैं। थैंक यू दोस्तों।